गोवा की चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस अब कुछ ही पलों में मतदान भी होगा। लेकिन इस तैयारियों के पीछे कैसी कवायद रही, किस तरीके से तैयारी की गई, पुलिस महकमा किस तरीके से काम किया, कैसे और लोगों को यहां डिप्लॉय किया गया, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और इस पर बात करने के लिए, एपीएन न्यूज़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोवा के डीजीपी साहब डॉक्टर इंद्रदेव शुक्ला साहब। शुक्ला साहब, एपीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं सर कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या क्या विशेष किया गया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, एपीएन को, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं गोवा पुलिस की तरफ से, जो आप इस मुहिम में सबको जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, गोवा में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, MLAs का इलेक्शन है, बहुत ही जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सोच समझ करके वोटिंग करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम पूरी फोर्स का इस्तेमाल अपना कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग बूथ यहाँ लगभग 2000 हैं, उन बूथ्स पर क्रिटिकल, हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव, वल्नरेबल, इस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओके। ताकि कहीं भी कोई भी पोटेंशियल अफेंडर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न क्रिएट कर सके। लगभग, हालांकि गोवा एक पीसफुल राज्य है, बिल्कुल बिल्कुल, टूरिस्ट प्रधान आप कह सकते हैं, डेस्टिनेशन टूरिस्ट, मतलब अगर देश विदेश सभी के लिए, 1 करोड़ के आसपास टूरिस्ट पॉपुलेशन यहाँ साल भर में आती है, 20-25 लाख तो फॉरेन टूरिस्ट ही हैं, 60-70 लाख तो डोमेस्टिक हैं। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील बन जाता है। बिल्कुल, गोवा का प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, चुनौतियां भी काफी, चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं। तो इन सब में हमको ये ध्यान देना है कि हम किसी अन्य कारण से किसी से गलत पेज पर ना आए। हमारी पुलिस बिल्कुल एक टूरिस्ट फ्रेंडली हो, लोगों का ख्याल रखने वाली हो, ह्यूमन राइट्स वगैरह का, लीगल चीज़ों को स्ट्रेंथन करे, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी 10,000 की फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। बिल्कुल सर, 2,000 पोलिंग बूथ्स पर। बिल्कुल सर, इसके अलावा 10,000 की जो फोर्स है उसके अलावा बाहर से भी सहायता ली गई हो, कितनी कंपनियां आई? करेक्ट, ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इस समय पूरी फोर्स, पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। बिल्कुल, और उन लोगों ने हमको 55 कंपनियां दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे छोटे से स्टेट में इतने ज़्यादा हम फोर्स हमारे पास रहती नहीं, तो ये 55 कंपनियां भी डिप्लॉयड हैं, जो बेसिकली एरिया डोमिनेशन के काम में आती हैं। स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पर बैलेट पेपर रखे जाते हैं, जहाँ वहाँ पर प्रोटेक्ट हो, ईवीएम मशीन्स वगैरह, अलग अलग, जितनी ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं सारी ट्रांसपेरेंसी ली जा रही है।